ये किम कार्डशियन कैसी है ये बताइए भैया। शी सो ह्यूज, उनकी ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए 36 घंटे लगेंगे। ओहो, लॉरी की बात सुनाता हूँ अंदर की। वो वाला, अरे कब तक शेरा का हाथ पकड़ के आते रहेंगे। अंबू अंकल ऐसे बगड़ फटफड़ आएंगे ना, एक दो करोड़ की गड्डी तो ऐसे निकल जाएगी। अंबानी जी की शादियों के फंक्शन का हो गया है दी एंड, और मैंने पकड़ लिया है उसको जिसने बजाया था शादियों में बैंड। सर क्या नाम है आपका? माइकल थॉमस फ्रॉम इटली। सर थोड़ी तो शर्म कर लो ना, तो आप इटली के लग रहे हो ना, आप इटालियन बोल रहे हो, देसी भाषा में बात कर रहे हो। सुनो बात ऐसी है, उन्होंने मुझे 2-3 महीने पहले इटली भेजा था और फिर इटली से बुलाया ताकि मीडिया में बात है। बाहर से आया बैंड वाला, कोई मोहन शोहन लोकल बैंड वाला नहीं आया। ओ मतलब शादी को एक्सपेंसिव करने के लिए आपको इटली भेज दिया, क्या बात है सर। ये हुआ क्या है लेकिन आपके हाथों में? अरे यार वो रंगवीर पता नहीं क्या नमक सूंघ के आता है, पूरी रात नाचता रहा, मुझे भी कहता रहा बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो, मोटे हाथ हो गए, सूझ गए यार। तो आपने फिर बजाया, मतलब बैंड बजाया आपने? हाँ मतलब बैंड ही तो बजाने के लिए आए हो, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन सर ये देसी लोगों का छोड़ो, विदेशी भी तो गेस्ट आए थे, वो एक हीरोइन आई है मोहतरमा, मैंने उनकी वीडियो देखी है। किम कार्डशियन, ये किम कार्डशियन कैसी है ये बताइए भैया। शी सो ह्यूज, उनकी ज्योग्राफी स्टडी करने के लिए 36 घंटे लगेंगे। ओ हो हो, 36 खुद का ढोल लेकर आई थी। क्या बात कर रहे हो, बजाया आपने? मतलब बजाया ही होगा जब आप तो बैंड बजाने के लिए ही हो। पर मैं इंप्रेस हो गया, मैंने कहा कि मैम ईस्ट और वेस्ट काइने इज द बेस्ट। काइने मुझे ये बताइए कि ये तो दो आई थी, वहां पर कोई सिंगल भी आया था कि मैंने सुना है कैश्वर्या राज। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, ये 3 स्तंभ है, रेखाओं में रहकर बात कीजिए। सर आप हमारे माइक को भी थोड़ा सा छोड़ दीजिए, लेकिन एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, एंड आई एम रियली सॉरी। सॉरी छोड़ो, लॉरी की बात सुनाता हूं अंदर की। सर वो वाला, सॉरी सर, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लॉरी जी जो हैं, जो इधर उधर हाथ रखते हैं, उनका एक्चुअली काम क्या है? वही जनता यही पूछ रही थी ना, काम क्या है काम क्या है। आज मैं बताऊंगा काम क्या है। वो टटपूंजिया लोगों की बड़ी बड़ी शादियों पे जाता है, लोग पैसे वारते हैं ना, उछल उछल के वो पकड़ लेता है, मेरे पैसे इतने ले गए यार, वो यही काम है उसका। टटपूंजिया कहते हैं सर इन लोगों को जो इधर हाथ रख देते हैं ना, इन लोगों को। मेरे को भी अच्छे नहीं लगते, पर मुझे एक बात बताओ, मेरे को क्रिकेटर बड़े अच्छे लगते हैं। ये जो क्रिकेटर लोग हैं ये भी आए थे मैंने सुना है शादी। हाँ। ये जो हार्दिक पांड्या साहब हैं ये अभी भी सिंगल हैं क्या? हाँ वो आया था अकेला, पर उसको साथ मिल गई उसकी दो टकीला। दो टकीला, मुझे लगा बताशा जी, बताशा ने गलत उसमें नहीं किया, मैं दूसरी बात और बताइए। लेकिन वो सिंगल आए थे, 2 टकीला उन्होंने ऑर्डर करी। मैंने सुना है वो जो पांडे जी की जो बेटी है वो थोड़े से डोरे डाल रही थी उनके ऊपर। ये निजी मामला है उनका, मैं इस पे इंटरफेयर नहीं करता। मैं ये नहीं बोलूंगा टकीला मार के पांड्या ने किम के साथ क्या किया, या अन्ना जो भी आप कह रहे हैं उनके साथ क्या किया। सॉरी नो कमेंट्स। कौन सीना, मतलब एक होता है सीना और एक होता है कौन सीना। आपका सीना बड़ा माशाल्लाह सर, आप क्या 56। वाह, जॉन सीना को इसलिए बुलाया था ताकि वो दूल्हे को कंधे पे उठा सके, किसी में इतना दम है नहीं कि दूल्हे को उठा ले। पर कुछ भी कहो, जॉन सीना के डोले हैं तो बढ़िया। अरे सर क्या हो गया, कुछ गलत पूछ लिया क्या मैंने? अब इतना क्यों इमोशनल हो रहे हैं भाई? बलवान भाई के लिए बहुत बुरा लगता है। क्यों? अरे कब तक शेरा का हाथ पकड़ के आते रहेंगे, खाली हाथ आए थे, बस उस हाथ पे 2 करोड़ की घड़ी मिली है एज रिटर्न गिफ्ट। 2 करोड़ की घड़ी, और आपको क्या मिला लेकिन? मोतियों की माला। मोतियों की माला असली नहीं, मतलब असली ही होगी, वो तो नकली चीज, वो तो नकली चीज कुछ करता ही नहीं है। पर मुझे ये बताइए कि ये जो माला है लगभग कितने की होगी? बेच दी। बेच भी दी आपने? कितने की? 3 BHK फ्लैट लिया, अब हिसाब लगा लो आप। 3 BHK फ्लैट? सर आपकी तो निकल पड़ी, थोड़ा हमारा भी काम करा देते वहां पर। अरे पर... मैंने तो अंबू अंकल को बोला है कि आप एक पोस्ट वेडिंग भी सेरेमनी करो, मेरे को ना वो इलेक्ट्रॉनिक वाली गाड़ी लेने का मन है। आप क्या बात कर रहे हो, इतना पैसा सर, इतनी लालच तो देखिए बुरी बला है। लालच बुरी बला है भैया, आप जाओगे ना वहाँ पे वेडिंग पे, लालच को भी लालच आ जाए देख के। अंबू अंकल ऐसे बगड़ फटफड़ आएंगे ना, 1-2 करोड़ की गड्डी तो ऐसे निकल जाएगी। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 1 लाख 2 लाख 3 लाख होगी? बहुत ज्यादा बता दिया आपने।
चलो 3 लाख होगी, खुश हो जाओ तुम सालाना। सालाना चलो 3 लाख हो गई। अंबू अंकल ने ऐसे वारा था ना एक बार में, 3 लाख नीचे गिर गए थे। क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया। तो सर ये पैसे वगैरह का तो चलता रहेगा, लेकिन आपने कनंत भाई के लिए कुछ बोलियां वगैरह कुछ सुनाई क्या वहाँ? हाँ, ओ बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा जू। आप मरवाएंगे क्या आप चैनल पर हैं? प्रधान जी बोल रहा था, इसमें क्या बात हुई? प्रधान जी ट्री जी ट्री जी फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो चलो चलो, अब तो फिर आप तो माला माल हो गए होंगे हर तरफ से, आप भी मतलब काफी पैसे कमा ही रहे हैं, पर थोड़ा सा हमें भी कुछ मिल जाता, कुछ दे देंगे क्या खटवट? हाँ देता हूँ, कोने में आओ। अरे आओ तो, ये देखो क्या लाए हो तो, कड़क आओ, एकदम कड़क है भैया। पा 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 पा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल जी स्विच को सब्सक्राइब जरूर करो, और ऐसी खुशी के ढोल बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो।